कन्नड़ पिशोग महामार्गावरील कालरात्री क्रूझर गाड़ी आणि टाटा टेम्पो 407 च्या मध्ये जोरदार धडक झाली, ज्यामध्ये क्रूझर गाड़ी मध्ये बसलेले दोन जणांचा जागेवरच मृत्यू झाला आणि 8 लोक जखमी आहेत जे हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेत आहेत। कल रात 7:45 और 8 के बीच में हमें फोन आया कि पिशोर रोड कन्नड यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने तुरंत हमारी ग्रामीण रुग्णालय की एम्बुलेंस स्पॉट पर भेजी और वहाँ के जख्मियों को यहाँ पर लेकर आए ग्रामीण रुग्णालय कन्नड में, और उसमें से हमने देखा कि भैया 8 लोग जो थे वो सीरियस इंजर्ड थे, जिनके कुछ पैर हाथ वगैरह फ्रैक्चर्स थे, तो उनको जो है हमने इनिशियल यहाँ पर ट्रीटमेंट करके घाटी अस्पताल में रेफर किए, और उसके बाद में ऑन द स्पॉट जो डेथ हुए थे दो लोग उनको यहाँ पर ये करके आज सुबह हमने उनका पोस्टमार्टम किया है, और उनके ये दस होने के बाद में और एक पेशेंट आया था जो नॉर्मली इंजर्ड था, उसको यहाँ ही ट्रीटमेंट करके आज सुबह उसको घर पे भेज दिए गए हैं। और हमने देखा कि एक्सीडेंट में मल्टीपल इंजरीज ज़्यादातर ये पेशेंटों को थे, और उनके पैर और हाथ पे ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इसलिए हमको ये 8 लोगों को ऑपरेशन के लिए और आगे की ट्रीटमेंट के लिए संदर्भित करना पड़ा।